अपना बंद है, बागी कहलाओगे। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है, इतना खराब इंतजाम नहीं देखा, हम लोग रो भी नहीं सकते। अब ज्यादा चिल्लाओगे बोलोगे भैया तो बागी कहलाए जाओगे। अब क्या बताएं, बेचारे बोलो नहीं सकते, जिसका नाम सुन करके बड़े बड़े भैया पहलवानों की पतलून ढीली हो जाती थी, बेचारे दौड़ लगा देते थे। ब्रजभूषण सिंह भैया रोना रोना, अब क्या करें बेचारे, इनको पहचान तो गए होंगे, उत्तर प्रदेश के गोंडा की केसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ये बेचारे भैया प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बताओ भैया हमने अपनी जिंदगी में इतना खराब इंतजाम आज तक नहीं देखा। भैया मीडिया को देख करके इनका दर्द झलक उठा, कहा भैया जिला प्रशासन के बारे में ना ही पूछो तो ज्यादा ठीक रहेगा, हम ज्यादा बोलने नहीं चाहेंगे। देखो भैया ज्यादा बोल देंगे तो बागी कहला जाएंगे। पर फिलहाल ये अकेले ऐसे नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से कुछ महीनों पहले बाराबंकी जिले भैया नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत दास श्रीवास्तव का भी यही बयान आया था कि देखो भैया देखो जिला प्रशासन किसी लायक नहीं है, किसी प्रकार का काम ही नहीं कर सकता, अधिकारियों को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। और अब बकायदा बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो सामने आया जिसे बकायदा देख लो, नाराजगी जाहिर कर रहा है और बता रहा है कितना खराब और बदतर इंतजाम हमने आज तक नहीं देखा। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सलाह नहीं ले रहा, सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है, केवल बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही, अधिकारी जो चाह रहे हैं सरकार में मत कहलवाइए, कुछ मेरे मुंह से मत कहलवाइए। अगर ज्यादा ना है बुलवा तो ठीक है भाई, वरना प्रशासन से लेकर सरकार की सबकी फजीहतें कट डालेंगे। पर फिलहाल की बात वीडियो शेखर चौन सर को मिलेगी दबा दबाइए। देखो भैया बार बार क्षेत्रों का हाल जाने के लिए कहते हैं, जब हाल देखा तो सच्चाई बयां करती। आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो शेखर खत्म मत कीजिएगा।